हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासेस ऑफ एटीपी ड्राइवन पंप्स के बारे में। एटीपी ड्राइवन पंप्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। आप सभी को पता होगा कि मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं और जो आयंस होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं, वो सेल के बाहर से अंदर आते हैं, सेल के अंदर से बाहर जाते हैं। और वो प्रोटीन्स जो होती हैं वही हेल्प करती हैं आयंस को बाहर भेजने में, सेल के और अंदर ले आने में। और एटीपी ड्राइवन का नाम एटीपी ड्राइवन पंप्स इसलिए यहाँ पड़ा है क्योंकि यहाँ एटीपी का यूज़ करते हैं। एटीपी जब टूटती है एडीपी और फॉस्फेट में, जब एक फॉस्फेट एटीपी से निकलता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हेल्प करती है आयंस के और सॉल्यूट के पंपिंग में। वो बाहर जाते हैं आयंस और अंदर आते हैं। आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होते हैं जिनको सेल के अंदर आना होता है, और वो जो आयंस होते हैं उनका अंदर आना या अंदर से फिर बाहर सेल के जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सेल का पीएच मेंटेन रहे। और पीएच ज़रूरी है मेंटेन रहना क्योंकि एक पीएच में ही कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो पीएच का मेंटेनेंस हो या फिर सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं जैसे कैल्शियम आयन, उनका सेल के अंदर आना और बाकी सारे सेल के मेटाबॉलिज्म को, सेल की एक्टिविटी को एक्टिवेट करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी ड्राइवन पंप्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। ये सारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा और वहाँ पे लिखा होगा पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप प्रोटॉन पंप और एबीएस ट्रांसपोर्टर दिख रहा होगा। ये सारे हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पी टाइप पंप क्या होते हैं। पी टाइप क्या होता है, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दे आर कॉल्ड पी टाइप बिकॉज दे फॉस्फोराइलेट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द पंपिंग साइट। देखिए, इसका नाम पी टाइप इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेट होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, पंपिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम याद रखिएगा, पी टाइप इसी से पड़ा है। इस तरह का जो टाइप होता है, पी टाइप पंप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, दिस क्लास इंक्लूड मैनी ऑफ द आयंस पंप दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग ग्रेडियंट्स ऑफ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पी टाइप में आप क्या देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ देखिए इस फिगर में, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ साइटोसॉल है, ठीक है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन ये ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पे लगा हुआ है पी टाइप पंप लगा हुआ है और ये क्या हेल्प कर रही हैं, एच आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को, पोटेशियम आयंस को अंदर लाने में, या सोडियम और कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जो प्रोटीन होता है फॉस्फोराइलेट हो रहा है और एटीपी किस में टूट रही है, एडीपी प्लस फॉस्फेट में, और फॉस्फेट यहाँ फॉस्फोराइलेट होते ही ये एक्टिव हो रहे हैं और आयंस जो हैं उनका फिर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर साइड में क्या होते हैं, एक्सचेंज उनका होता है, ठीक है। तो पी टाइप आपको समझ में आ गया, इसमें जो पंप्स होते हैं वो खुद क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेट होते हैं और उसके बाद आयंस क्या होते हैं, उनकी पंपिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, एफ टाइप है, वही सेम फिगर है, मैंने इसलिए बताया है ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि पी टाइप और एफ टाइप में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है।
पी टाइप में क्या है, दे आर टर्बाइन लाइक प्रोटीन्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट सब यूनिट्स। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है टर्बाइन लाइक प्रोटीन्स की तरह है। मल्टीपल डिफरेंट सब यूनिट्स का मतलब देखिए, आपको एक रेड दिख रहा है, इसमें एक ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्या है, सब यूनिट्स हैं। इन सब यूनिट्स से ये बना हुआ है मिल के। दे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम पी टाइप एटीपीएसेस। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पी टाइप से अलग दिख रहा है। एंड आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह के जो एफ टाइप पंप होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस टू ड्राइव एच प्लस ट्रांसपोर्ट, दे यूज एच प्लस ग्रेडियंट across the membrane to drive the synthesis ATP from ADP and phosphate। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे H plus जो है आ रहा है आयन, तो जब gradient यानी कि difference होता है इनके concentration में, ठीक है, plasma membrane के बाहर और अंदर जो होते हैं ये आयन्स का जो difference होता है उसी को बोलते हैं gradient। H plus gradient यानी दोनों सेल जो मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं एच प्लस ग्रेडियंट। आपको यहाँ सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि फॉस्फेट प्लस एडीपी मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस न करके वो क्या कर रहे हैं, जब एच प्लस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बल्कि एटीपी की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। इसीलिए एफ टाइप को आप क्या कहेंगे, इनको एटीपी सिंथेटेज भी बोलेंगे, ठीक है। और ये इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मीन्स ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं एफ टाइप, ये होता है प्रेजेंट आपका, प्रेजेंट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ आपको ये देखने को एफ टाइप पंप मिलेंगे। एंड ड्यूरिंग द सिंथेसिस और बाय द लाइट एक्टिवेटेड एच पंप इन हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये आपको एफ टाइप समझ में आ गया किस तरीके से ये पी टाइप एफ टाइप से डिफरेंट है। अब आपको एफ टाइप में एक आपको वी टाइप प्रोटॉन पंप दिख रहा होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि वी टाइप और एफ टाइप में क्या डिफरेंस है, क्यों फिगर एक ही है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दो नाम दिख रहे हैं। ये जो वी टाइप होता है ये पता है क्या होता है, ये एफ टाइप का अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वैसा ही होता है। पी टाइप एटीपीएसेस जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पी टाइप की ही तरह, नॉर्मली पंप एच प्लस रेदर देन सिंथेसाइज एटीपी। ये क्या करते हैं, नॉर्मली एच प्लस को तो पंप करेंगे लेकिन ये क्या करेंगे, इनकी सिंथेसाइज नहीं करते हैं एटीपी की। दे पंप एच प्लस इनटू द ऑर्गेनेल। ये वी टाइप जो होते हैं ये एच प्लस को कहाँ पे पंप करते हैं, जैसे लाइसोजाइम में। आपको पता होगा लाइसोजाइम जो सेल होती है वहाँ पे अगर एच का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एच प्लस का तो वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों होता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर वो इनगल्फ करता है, ऑटोफेजी में आपने पढ़ा होगा, जब उसके अंदर टूट के आते हैं तो ये उनको मारता है लो पीएच पे। तो लाइसोजाइम में एच प्लस का जो है कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बाहर जो भी इसका इन्वायरमेंट होगा वो लाइसोजाइम की जो मेम्ब्रेन होगी, लाइसोजाइम क्या है, ऑर्गेनिल है, हर ऑर्गेनिल पे क्या होगी, एक मेम्ब्रेन लगी होगी, तो उस तरह से एच प्लस आएंगे। तो वहाँ पे किस तरह के आपको पंप देखने को मिलेंगे, वी टाइप पंप देखने को मिलते हैं, या सिनेप्टिक वेसिकल्स में मिलते हैं। एंड प्लांट वैक्यूल्स, आप प्लांट वैक्यूल्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी वो एसिडिक होता है, एच प्लस आयन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ भी क्या होगा कि आपको वी टाइप पंप देखने को मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल के अंदर में, ठीक है। ये सेम फिगर है, मैंने यहाँ पे फिर वही फिगर इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आता रहे कि एफ टाइप
पी टाइप, वी टाइप और ए बी ट्रांसपोर्टर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ए बी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। ए बी ट्रांसपोर्टर क्या है? पंप स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन कॉन्ट्रास्ट टू एफ टाइप, वी टाइप, पी टाइप एटीपीएसेस विच एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्ट आयंस। ये सब क्या कर रहे थे? आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप। लेकिन आपको ए बी सी ट्रांसपोर्टर में क्या मिलेगा? यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स देखिए, यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी क्या हो रही है? फॉस्फेट प्लस एडीपी में टूट रही है, एनर्जी मिल रहा है और इस एनर्जी से स्मॉल आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है। तो ए बी सी ट्रांसपोर्टर क्या है? ये एक तरह से क्या होते हैं? मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। तो आपको इस एक फिगर से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इनके एक एक टाइप्स को लेकर बनाऊंगी कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम का पंप होता है, कैल्शियम का कैसे होता है। देखिए कैल्शियम क्या होता है? साइटोसॉल में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो ये किसी ट्यूब्यूल में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे स्टोर होते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ये रिलीज़ होते हैं। और आपको पता है कि कैल्शियम आयन जो है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं, ये सेल की बाकी एक्टिविटी को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं उनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एक्सचेंज में, ट्रांसपोर्टेशन में कैल्शियम आयन बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको पी टाइप पंप में मिलेगा। तो एक एक करके इनके बारे में हम और पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्हें उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं होती हैं, जिनको उतना पता नहीं हो पाता है कि क्या चीज़ और पढ़नी है। तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे जो होनहार तो हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से, वो कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं और इससे उनका बहुत लॉस होता है लाइफ में, वो पीछे नहीं रहें। उनको हर तरह की स्टडी से जुड़ी, उनको मटेरियल से जुड़ी उनको हेल्प मिल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल पर उन तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, उन तक शेयर करें ज़रूर। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि वो जानते तो नहीं हैं, लेकिन उनको अगर एक बार ये सारे टॉपिक देख के पता चल जाएगा तो वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सभी का आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी पीछे नहीं रहे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।